नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स दादा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं रॉयल्टी से क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैंने डॉक्टर एस एम शुक्ला की बुक से लिया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है रिलेटेड है हाफ ईयरली पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, यानी कि रॉयल्टी का जो पेमेंट होगा वो हाफ ईयरली होगा। दोस्तों, अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा कि हाफ ईयरली पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, कहने का मतलब यह है कि रॉयल्टी का जो पेमेंट होगा वो हाफ ईयरली होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि लैंडलॉर्ड और लेसी में यह एक एग्रीमेंट होता है कि रॉयल्टी का जो पेमेंट होगा वो हाफ ईयरली होगा। तो उस सिचुएशन में मिनिमम रेंट जो निकाला जाता है वो भी हाफ ईयरली ही निकाला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि रॉयल्टी का अमाउंट और मिनिमम रेंट दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। और दोनों का कंपैरिजन करने के बाद ये होता है कि या तो एक्सेस वर्किंग निकलेगा या तो शॉर्ट वर्किंग निकलेगा। उसके बाद हम उसका मतलब कि ट्रीटमेंट करते हैं रॉयल्टी अकाउंट में, फिर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में। क्वेश्चन देखते हैं। अ कोल कंपनी टुक अ लीज ऑफ कोल माइन फॉर अ टर्म ऑफ 8 ईयर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2010 ऑन अ मिनिमम रेंट ऑफ ₹12,000 पर ईयर, मर्जिंग इन अ रॉयल्टी ऑफ 75 पैसा पर टन ऑफ कोल रेस्ट पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th June एंड 31st December ईच ईयर। शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी रिक्यूब्ड ड्यूरिंग द 1st 3 ईयर्स ऑफ द लीज ओनली। रॉयल्टी विच वॉज ड्यू ऑन 31st December 2011 वॉज पेड ऑन 2nd January 2012। कोल कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st December ईच ईयर। कोल इज रेस्ट एज फॉलोज। हाफ ईयर एंडिंग एट 30th June 2010 6,000 टन। हाफ ईयर एंडिंग एट 31st December 2010 8,000। हाफ ईयर एंडिंग एट 30th June 2011 10,000। हाफ ईयर एंडिंग एट 31st December 2011 6,000। हाफ ईयर एंडिंग एट 30th June 2012 7,000। हाफ ईयर एंडिंग एट 31st December 2012 9,000। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कोल कंपनी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए कोल कंपनी टुक अ लीज ऑफ कोल माइन फॉर अ टर्म ऑफ 8 ईयर्स फ्रॉम 1st January 2010। यानी एक कोयले की कंपनी ने 1 जनवरी 2010 को 8 साल के लिए कोयले का खान लीज पे लिया ऑन अ मिनिमम रेंट ऑफ ₹12,000 पर ईयर, मर्जिंग इन अ रॉयल्टी ऑफ 75 पैसा पर टन ऑफ कोल रेट पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th June एंड 31st December ईच ईयर। तो कहने का मतलब यह है कि मिनिमम रेंट जो है वो 12,000 पर ईयर, और रॉयल्टी जो निकलेगा वो 75 पैसा पर टन के हिसाब से निकलेगा, और इसका जो पेमेंट होगा वो हाफ ईयरली होगा, यानी कि एक तो 30 जून को होगा और दूसरा जो होगा वो 31st December को होगा। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी रिक्यूब्ड ड्यूरिंग द 1st 3 ईयर्स ऑफ द लीज ओनली। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शॉर्ट वर्किंग को आप 1st 3 ईयर्स में ही रिक्यूब कर सकते हैं, यानी कि 1st 3 साल में ही रिक्यूब कर सकते हैं, उसके अलावा आप रिक्यूब नहीं कर पाएंगे। और जो शॉर्ट वर्किंग अमाउंट जो रिक्यूब नहीं होता है उसको हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी रिक्यूब ड्यूरिंग द 1st 3 ईयर्स ऑफ द लीज ओनली, क्वेश्चन में मेन पॉइंट यही है। और आपको मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन देखना है तो मेन यही देखना है कि शॉर्ट वर्किंग का रिक्यूपमेंट कब हो रहा है, कब रिक्यूब्ड हो रहा है, यही देखना है आपको। तो 1st 3 ईयर्स अगर लिखा हुआ है तो 1st 3 ईयर्स में ही रिक्यूब हम कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर पाएंगे। तो 1st 3 ईयर कहने का मतलब है यह है कि ये 2010 से स्टार्ट किया है, तो 2010, 2011, 2012 बस इसी 3 साल में हम शॉर्ट वर्किंग का रिक्यूपमेंट कर पाएंगे, इसके अलावा नहीं कर पाएंगे। और जो नहीं होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग को पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, रॉयल्टी विच वॉज ड्यू ऑन 31st December 2011 वॉज पेड ऑन 2nd January 2012। यानी कि रॉयल्टी का जो अमाउंट पेमेंट करना था 31st December 2011 को, उसका पेमेंट हुआ था 2nd January 2012। फिर आगे दिया हुआ है, कोल कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st December ईच ईयर। यानी कि कोल कंपनी जो है अपना खाता क्लोज करती है 31st December हर साल के 31st December को। और कोल कितना कोयला निकला है, कितना मतलब इसका प्रोडक्शन हुआ है, ये इसका डिटेल दिया हुआ है। कोल इज रेस्ट एज फॉलोज। तो देख लीजिए, 30 जून 2010 को
यानी कि 30 जून कहने का मतलब यह है कि 1 जनवरी से वो स्टार्ट कर रहा है, तो 30 जून तक 6 महीने का जो प्रोडक्शन हुआ है 6,000 टन हुआ है। फिर 31 दिसंबर 2010 तक जो हुआ है वो 8,000 टन हुआ है। उसके बाद 30 जून 2011 तक जो हुआ है वो 10,000 टन हुआ है, और 31 दिसंबर 2011 तक 6,000 टन, और 30 जून 2012 तक 7,000 टन, और 31 दिसंबर 2012 तक जो हुआ है 9,000 टन हुआ है। तो इसको देखते हुए क्वेश्चन को बनाना है, यानी कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कोल कंपनी, कोल कंपनी के बुक में नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं। दोस्तों क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, या आप कह सकते हैं एनालिसिस ऑफ रॉयल्टीज पेबल। दोस्तों एनालिटिकल टेबल बनाने के लिए हम लोग 10 कॉलम खींचेंगे, 10 कॉलम बनाएंगे। तो सबसे पहला जो कॉलम होगा वो ईयर का कॉलम होगा, सेकंड कॉलम जो होगा वो आउटपुट टन्स का होगा, थर्ड कॉलम जो होगा एक्चुअल रॉयल्टीज एट द रेट ऑफ 75 पैसा पर टन। जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि जितना पैसा होगा उतना पैसा हम लोग एट द रेट ऑफ इतना पैसा पर टन लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ कॉलम जो होगा वो मिनिमम रेंट का होगा, और फिफ्थ कॉलम जो होगा एक्सेस वर्किंग का होगा, और उसके बाद जो कॉलम हम लोग बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग्स का बनाएंगे, और शॉर्ट वर्किंग के अंदर यानी कि शॉर्ट वर्किंग के अंदर 4 कॉलम बनाएंगे, जो कि फर्स्ट जो होगा सफर्ड यानी कि शॉर्ट कर गया अमाउंट तो सफर्ड हम लोग लिखेंगे, फिर दूसरा कॉलम जो इसका होगा रिक्यूप्ड का होगा, तीसरा कॉलम जो होगा वो अनरिक्यूप्ड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, और चौथा कॉलम जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड का होगा, और फिर जो लास्ट कॉलम यानी कि 10वां कॉलम जिसको हम लोग कहेंगे वो अमाउंट पेएबल का होगा। तो इस तरह आप लोग एनालिटिकल टेबल बना लीजिए। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रॉयल्टीज़ का पेमेंट जो होगा वो हाफ ईयरली होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये क्वेश्चन देखकर ही कहेंगे कि सर मुझे नहीं करना ये क्वेश्चन, बट मैं कह रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन करेंगे और बहुत इजी वे में करेंगे जैसा मैं बताऊँगा आपको। तो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, और देखिए एनालिटिकल टेबल मैंने पिछले भी 2 से 3 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, तो उसमें मैं बहुत इजी वे में मैंने बताया था कि कैसे एनालिटिकल टेबल हम लोग बनाते हैं, कैसे शॉर्ट वर्किंग का और कैसे एक्सेस वर्किंग का या रिक्यूब्ड अनरिक्यूब्ड कैसे हम लोग पोस्ट करते हैं, ये मैंने बताया था। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोयला का जो प्रोडक्शन हुआ है 30 जून 2010 तक 6,000 टन हुआ है, और एक्चुअल रॉयल्टीज जो हम लोग निकालेंगे 75 पैसा पर टन के हिसाब से निकालेंगे, तो 6,000 का 75 पैसा पर टन के हिसाब से निकलेगा 4,500 रुपया, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि मिनिमम रेंट जो है 12,000 रुपया प्रति वर्ष, यानी कि हर साल 12,000 रुपया देना है। ठीक है, मिनिमम रेंट हर साल 12,000 रुपया था, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे एक्चुअल रॉयल्टी जो निकाल रहे हैं वो हाफ़ ईयरली निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मिनिमम रेंट जो है वो भी हम लोग हाफ़ ईयरली ही रखेंगे, यानी कि 12,000 को 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 6,000 जो मिनिमम रेंट आएगा वो हम मिनिमम रेंट वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में क्या डिफरेंस है, यानी कि मिनिमम रेंट ज़्यादा है और एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो कम है। तो जब हम जानते हैं कि मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी करते हैं तो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट निकलता है, तो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जो निकलेगा वो 1500 रुपीज़ निकलेगा। ठीक है, तो 1500 रुपीज़ जो है वो हम लोग सफर्ड वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर रिक्यूब्ड अनरिक्यूब्ड इसमें कुछ नहीं लिखना है, और ये 1500 रुपया जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि अभी कुछ होना नहीं है रिक्यूब्ड इस साल, तो कुछ होना नहीं है इसलिए ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और अमाउंट पेएबल टू लैंडलॉर्ड यानी कि लैंडलॉर्ड का जो पेमेंट होगा वो 6,000 रुपया होगा, यानी कि क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि रेंट कितना है 6,000, तो वही 6,000 हम लोग लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर देखते हैं 31 दिसंबर 2010, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 31 दिसंबर 2010 को कोयला का जो प्रोडक्शन हुआ है वो 8,000 टन्स हुआ है। ठीक है, 8,000 टन हुआ है, और इसका हम लोग एक्चुअल रॉयल्टी जो निकालेंगे वो 75 पैसा पर टन के हिसाब से निकालेंगे, तो अमाउंट निकलेगा 6,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद मिनिमम रेंट तो भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप मतलब स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जितना भी दिया हुआ मिनिमम रेंट, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट टर्न्स, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, आप चाहें तो एक बार में तीनों लिख सकते हैं, मतलब इस कॉलम में जो है 30 जून 2010, 31 दिसंबर 2010, 30 जून 2011, 31 दिसंबर 2011, 30 जून 2012, 31 दिसंबर 2012, ये 3 कॉलम को तो आप
भर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम होती है नेक्स्ट वाले कॉलम को भरने में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आउटपुट टन 31 दिसंबर 2010 को जो है 8,000 है, एक्चुअल रॉयल्टी 6,000 निकला और मिनिमम रेंट हम लोग 6,000 कॉलम में डाल चुके हैं, ठीक है। तो इसमें ये देखिए डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, तो मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी करेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा, ना एक्सेस निकलना है ना सफर्ड निकलना है। तो यहाँ पे एक्सेस वर्किंग में कुछ नहीं लिखना है, सफर्ड वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे, रिक्यूब्ड वाले कुछ नहीं लिखेंगे, अनरिक्यूब्ड वाले में भी कुछ नहीं होगा, और कैरी फॉरवर्ड जो अमाउंट आएगा वो कैरी फॉरवर्ड में हम लोग 1500 रुपया लिख देंगे, यानी कि पिछले साल वाला जो शॉर्ट कर गया था अमाउंट, वो अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर अमाउंट पेबल टू लैंडलॉर्ड जो है 6,000, यानी कि मिनिमम रेंट जो है वो अमाउंट पेबल टू लैंडलॉर्ड वाले में कॉलम में जाएगा, तो 6,000 रुपया लैंडलॉर्ड को पेमेंट होना है। फिर देखिए 30 जून 2011 को कोयला का जो प्रोडक्शन हुआ है वो 10,000 टन्स हुआ है, ठीक है, 10,000 टन हुआ है, और इसका एक्चुअल रॉयल्टी हम लोग निकालेंगे तो 75 पैसा के हिसाब से निकलेगा 7,500, ठीक है, 7,500 रुपये निकलेगा, और उसके बाद मिनिमम रेंट जो है 6,000 रुपया तो है ही, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी हम लोग करेंगे तो इसमें क्या निकलेगा, 1500 रुपया एक्सेस वर्किंग, यानी कि पहले हमारा 1500 रुपया का शॉर्ट कर गया था जो कि हम उसका रिक्यूब जो है नेक्स्ट मतलब कि 31 दिसंबर 2010 में भी नहीं कर पाए थे, और वही कैरी फॉरवर्ड चला गया था, और फिर 30 जून 2011 में क्या हुआ कि 1500 रुपया एक्सेस हो गया है। तो भाई 1500 एक्सेस हो गया, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप फर्स्ट 3 ईयर्स में, यानी कि फर्स्ट 3 साल में आप जो है शॉर्ट वर्किंग का रिक्यूब कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। तो भाई फर्स्ट 3 साल की बात कर रहा है ना, तो 30 जून 2010, 31 दिसंबर 2010, ये 1 साल हुआ, फिर 30 जून 2011, 31 दिसंबर 2011, ये 2 साल हुआ, फिर इसी तरह 2012 वाला जो है 30 जून 2012, 31 दिसंबर 2012, ये 3रा साल हो गया। तो हम इसी में फर्स्ट 3 ईयर्स में ही रिक्यूब करेंगे, तो यहाँ पे जो 1500 रुपया है हम लोग रिक्यूब कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1500 रुपया रिक्यूब करने के बाद क्या होगा, अनरिक्यूब्ड में कुछ नहीं होगा और कैरी फॉरवर्ड में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1500 रुपीज़ जो था वो शॉर्ट वर्किंग था और यहाँ पे 1500 रुपीज़ जो है एक्सेस वर्किंग है। तो भाई हमारा रिक्यूब हमने कर लिया 1500 रुपया का जो शॉर्ट था, तो कैरी फॉरवर्ड में कुछ नहीं जाएगा और अमाउंट पेबल जो होगा वो 6,000 रुपीज़ होगा। फिर हम लोग देखेंगे 31 दिसंबर 2011 आउटपुट कितना निकला हुआ था, 6,000 टन्स निकला हुआ था, और इसका जो एक्चुअल रॉयल्टी हम लोग निकालेंगे 75 पैसा के हिसाब से तो 4,500 रुपया निकलेगा, और मिनिमम रेंट जो है वो 6,000 रुपीज़ है, ठीक है। फिर इस दोनों में हम लोग कंपैरिजन करेंगे, इस दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम रेंट ज़्यादा है, एक्चुअल रॉयल्टी कम है, तो कितना शॉर्ट कर गया, 1500 रुपया शॉर्ट कर गया, ठीक है। रिक्यूब वाले में कुछ नहीं होगा, अनरिक्यूब कुछ नहीं होगा, और यही 1500 रुपया जो है नेक्स्ट मतलब कि ईयर के लिए कह सकते हैं, ठीक है, या नेक्स्ट मंथ के लिए भी कह सकते हैं, 1500 रुपया जो है कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो 1500 रुपया हम लोग कैरी फॉरवर्ड में लिखेंगे और अमाउंट पेबल टू लैंडलॉर्ड जो होगा वो 6,000 रुपीज़ होगा। फिर देखिए 30 जून 2012 में आउटपुट कोयले का जो निकला है वो 7,000 टन्स निकला हुआ है, और रॉयल्टी हम लोग एक्चुअल रॉयल्टी 75 पैसा पर टन के हिसाब से निकालेंगे तो 5,250 रुपया निकलेगा, और मिनिमम रेंट तो 6,000 रुपया देना ही देना है। तो आप ये देख लीजिए कि मिनिमम रेंट जो है वो ज़्यादा है, एक्चुअल रॉयल्टी कम है, तो यहाँ पे भी सफर्ड कर गया, ठीक है, 30 जून 2012 में भी सफर्ड कर गया। तो कितने का सफर्ड हुआ है, 750 रुपये का, यानी शॉर्ट कर गया। तो फिर यही हम लोग रिक्यूब में कुछ नहीं होगा, अनरिक्यूब में कुछ नहीं होगा, और कैरी फॉरवर्ड में जो है 1500 प्लस 750 को ऐड करेंगे तो 2250 रुपया जो है वो कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ के लिए कह सकते हैं या नेक्स्ट ईयर के लिए कह सकते हैं। इसमें एक्चुअली क्या है कि 6 महीने के लिए बना हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ के लिए चला जाएगा, फिर नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए चला जाएगा, ठीक है। और अमाउंट पेबल टू लैंडलॉर्ड जो है वो 6,000 रुपीज़ है, तो 6,000 पेमेंट करना ही है उसको, तो 6,000 रुपया हम लोग देंगे। फिर देखेंगे 31 दिसंबर 2012 को आउटपुट जो निकला हुआ है वो 9,000 टन्स निकला हुआ है, ठीक है,
तो इसका एक्चुअल रॉयल्टी हम लोग निकालेंगे 75 पैसा पर टन के हिसाब से, अमाउंट जो आएगा 6,750 रुपये आएगा और मिनिमम रेंट जो देना है वो 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये ऑलरेडी हम लोग लिखेंगे। तो इसमें दोनों में मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी में देखेंगे कि अमाउंट किसका शॉर्ट कर रहा है या एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है। तो हम लोग जानते हैं कि जब मिनिमम रेंट कम होता है, एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा होता है, तो एक्सेस वर्किंग होता है वहाँ पे, ठीक है। तो 6,000 में 6,750 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 750 रुपया जो होगा वो एक्सेस वर्किंग होगा। अब ये आप देख लीजिए कि पहले से सफर्ड कितना आ रहा था, यानी 1500 प्लस 750, 2250 रुपया जो है शॉर्ट कर रहा था। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिक्यूब कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जितना एक्सेस रहता है उतना ही हम रिक्यूब कर पाएंगे, ठीक है। तो 750 रुपये मेरा एक्सेस है, तो हम 750 रुपया ही रिक्यूब कर सकते हैं, यानी रिकवर जो है 750 रुपया ही कर सकते हैं। तो हम 750 रुपया रिक्यूब वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद हम कितना नहीं कर पाए, यानी 1500 रुपया जो है वो हम रिक्यूब नहीं कर पाए। और हम लोग जानते हैं कि जो रिक्यूब नहीं हो पाता है उसको अनरिक्यूब्ड अमाउंट को हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 1500 रुपया जो है अनरिक्यूब्ड ट्रांसफ़र टू पीएल वाले कॉलम में लिखेंगे और कैरी फॉरवर्ड में कुछ नहीं होगा। और लास्ट वाले कॉलम में जो है अमाउंट पेबल टू लैंडलॉर्ड में 6,000 रुपीज़ होगा, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग जो है एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद लैंडलॉर्ड्स अकाउंट का लेजर बनाएंगे। और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि धनबाद माइनिंग कंपनी जो है वो लिसी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ धनबाद माइनिंग कंपनी, क्योंकि लिसी के अकाउंट में ही लेजर लैंडलॉर्ड का लेजर बनता है। इसलिए हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ धनबाद माइनिंग कंपनी लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। और ये जो कॉलम है आप लोग बना लीजिए लेजर का, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और बाएं तरफ डेबिट साइड और दाहिने तरफ जो होता है वो क्रेडिट साइड होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब भी लैंडलॉर्ड्स अकाउंट का लेजर हम लोग मेंटेन करते हैं तो सबसे पहले जनरल एंट्री हम लोग इसका देखते हैं कि जनरल एंट्री हमने क्या किया था या इसका जनरल एंट्री क्या होगा। और जनरल एंट्री से ही तो हम लोग लेजर बनाते हैं, ठीक है। अगर मतलब कि किसी को ना समझ में आए डायरेक्ट लेजर कैसे बनता है, तो पहले मैं इसलिए जनरल एंट्री बताता हूँ कि जनरल एंट्री के बाद जो है लेजर बनाना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों लैंडलॉर्ड अकाउंट का लेजर बनाने के लिए आपको एनालिटिकल टेबल जो है अपने पास रखना होगा। तो सामने एनालिटिकल टेबल रखिए, उसके बाद जो है लेजर में पोस्टिंग कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ईयर 2010 में 30 जून की एंट्री देखेंगे, यानी एनालिटिकल टेबल में देखेंगे कि एक्चुअल रॉयल्टी क्या था, शॉर्ट वर्किंग क्या था, ये हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअल रॉयल्टी का जो अमाउंट था 4,500 रुपीज़ था, और सफर्ड कितना किया था यानी शॉर्ट वर्किंग का जो अमाउंट था वो 1,500 रुपीज़ था। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब भी हम लोग लैंडलॉर्ड को ड्यू की एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। ये हम लोग लैंडलॉर्ड को ड्यू करने की एंट्री करते हैं। और दूसरी जो एंट्री करते हैं लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की एंट्री करते हैं, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। अब आप ये समझिए कि जब जनरल एंट्री हम लोग करते हैं तो रॉयल्टीज़ और शॉर्ट वर्किंग दोनों डेबिट होता है जनरल एंट्री में। तो फिर हम और क्रेडिट क्या होता है, लैंडलॉर्ड होता है। तो फिर जब हम लैंडलॉर्ड अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो जो डेबिट होता है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, सिंपल फंडा यही है। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कैसे जनरल एंट्री से हम लोग लेजर की एंट्री करते हैं, बट कोई नहीं मैं आपको फिर से बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेजर में हम लोग पोस्टिंग करेंगे तो आप देख लीजिए कि 30 जून 2010 को जो है रॉयल्टी का अमाउंट कितना था, तो बाई रॉयल्टी करेंगे 4,500। फिर ये देखिए कि शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट कितना था, एनालिटिकल टेबल देखते जाइए और यहाँ पे पोस्टिंग करते जाइए। तो 30 जून को शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जो है 1500, बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करेंगे 1500 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए 31 दिसंबर को, ठीक है, हम लोग हाफ ईयरली बना रहे हैं ना, तो हाफ ईयरली में क्या था, 30 जून को जो था रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग दोनों है। उसके बाद 31 दिसंबर को देखेंगे हम लोग कि क्या क्या है। तो 31 दिसंबर में जो है ओनली एक्चुअल रॉयल्टी है वो 6,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो हम लोग 31 दिसंबर को बाई रॉयल्टी लिखेंगे 6,000 रुपीज़। हम लोग एनालिटिकल टेबल जो है वो हाफ ईयरली बनाए हैं, बट यहाँ पे लेजर जो बनाएंगे वो ईयरली बनाएंगे, ठीक है। तो पूरा एक साल का एंट्री हम लोग करेंगे, तो एक साल की जो एंट्री करेंगे, जैसे जून में हम लोग किए,
2010 जून को जो है बाय रॉयल्टी बाय सॉफ्ट वर्किंग कर दी है। इसी तरह 31 दिसंबर की एंट्री भी इसी में करेंगे, तो 31 दिसंबर को है बाय रॉयल्टी अकाउंट, ये लिखेंगे 6000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेबिट साइड में जो लिखेंगे, और हम लोग डेबिट साइड में पेमेंट करने की एंट्री करते हैं, तो 30 जून 2010 का जो पेमेंट है वो हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 6000 रुपीज़, ठीक है। वो आप देखिएगा अमाउंट पेबल टू लैंडलॉर्ड, मतलब कि एनालिटिकल टेबल में जो है 6000 रुपीज़ आप देखिएगा जून में मैंने लिखा था, तो 6000 रुपीज़ का पेमेंट हो जाएगा जून में। फिर 6000 का जो पेमेंट होगा वो 31 दिसंबर को होगा, टू बैंक अकाउंट करेंगे 6000 रुपीज़, तो ये अकाउंट जो है क्लोज हो जाएगा। कहने का मतलब इस ईयर का अकाउंट क्लोज कर देंगे, 12000 रुपया डेबिट होगा, 12000 रुपया क्रेडिट होगा। फिर नेक्स्ट ईयर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ईयर में क्या करना है। तो ईयर 2011 30 जून ईयर 2011, ठीक है। अब 2011 का एनालिटिकल टेबल देखिए कि उसमें कितना अमाउंट एक्चुअल रॉयल्टी है, कितना एक्सेस है, कितना शॉर्ट वर्किंग है, कितना रिक्यूप हुआ है, क्या हुआ है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। बिना एनालिटिकल टेबल देखे हुए आप लेजर की पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको एनालिटिकल टेबल देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये देखिए कि एक्चुअल रॉयल्टी जो है 30 जून को 7500 रुपीज़ है, और एक्सेस कितना किया है 1500 रुपीज़ किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 30 जून को बाय रॉयल्टीज़ 7500 लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग पहले जो एंट्री कर रहे थे शॉर्ट वर्किंग, अगर शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट होता था तो हम लोग क्या करते थे, बाई शॉर्ट वर्किंग, यानी कि शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट हम लोग जनरल एंट्री में डेबिट करते थे। बट जब एक्सेस वर्किंग होता है तो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जो होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं जनरल एंट्री में। तो जनरल एंट्री में जब क्रेडिट होता है तो लेजर में वो जस्ट अपोजिट होता है, उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट वर्किंग टू शॉर्ट वर्किंग अमाउंट लिखेंगे, कितना है 1500 है तो 1500 लिखेंगे, ठीक है। और 30 जून को बैंक से पेमेंट हुआ था तो टू बैंक अकाउंट लिख देंगे 6000 रुपीज़, ठीक है। यानी कि 2011 में 30 जून वाला काम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और फिर 31 दिसंबर का काम देखेंगे। तो 31 दिसंबर में क्या हुआ था, 31 दिसंबर में जो है वो एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट है 4500, ठीक है, और सफर्ड कितना करिए 1500 रुपीज़। तो बाई रॉयल्टीज़ लिखेंगे 4500, उसके बाद 31 दिसंबर को बाई शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट लिखेंगे 1500 रुपीज़, ठीक है। और 31 दिसंबर को टू बैलेंस सीडी लिखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि 2011 वाला जो पेमेंट है वो जनवरी 2012 को होगा, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैलेंस सीडी करेंगे, ना कि टू बैंक लिखेंगे। मैंने लिख दिया था बट मैं जब क्वेश्चन देखा तो मुझे समझ में आई कि नहीं, यहाँ पे बैलेंस सीडी लिखना है, ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चन देखते हुए इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो टू बैलेंस सीडी कीजिएगा 6000 रुपीज़, और यही जो बैलेंस सीडी है ये नेक्स्ट ईयर के लिए बीडी हो जाएगा। तो आप देख लीजिए दोनों में अमाउंट मिला के सीडी बीडी कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि ईयर 2012 में हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले तो आप बैलेंस बीडी कर दीजिए, बाय बैलेंस बीडी एक एक, यानी कि हम लोग अगर 31 दिसंबर को कोई कैरेट डाउन करते हैं तो ब्राउट डाउन कब करते हैं, नेक्स्ट ईयर के जनवरी को करते हैं, ठीक है। तो एक एक 2012 बाय बैलेंस बीडी 6000 रुपीज़। फिर ये देखिए कि रॉयल्टीज़ का अमाउंट 2012 में कितना निकला था 30 जून को देखिएगा, ठीक है। सिक्स मंथली हम लोग बना रहे हैं, यानी हाफ ईयरली बना रहे हैं, तो आपको 30 जून का ही देखना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि एक्चुअल रॉयल्टी कितना था 5250 रुपीज़, ठीक है, और सफर्ड कितना किया था 750। तो बाय रॉयल्टी करेंगे, बाय शॉर्ट वर्किंग करेंगे, तो बाय रॉयल्टी का अमाउंट 5250, बाय शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट आएगा 750, ठीक है। उसके बाद 31 दिसंबर को ये देखिए कि एक्चुअल रॉयल्टीज़ अमाउंट कितना था, तो 6750, तो बाय रॉयल्टी का अमाउंट जो है 6750 करेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ था, एक्सेस वर्किंग हुआ था, ठीक है। तो एक्सेस वर्किंग का अमाउंट हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। जब शॉर्ट होता है तो बाय करते हैं, जब एक्सेस होता है तो टू करते हैं, ये लेजर में, ठीक है। तो इससे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो पेमेंट हमको करना था, यानी कि 2011 वाला जो पेमेंट करना था उसको हम पहले पेमेंट कर देंगे, 2 जनवरी को टू बैंक अकाउंट करेंगे 6000 रुपीज़। फिर
30 जून का जो पेमेंट करना था उसको भी कर देंगे, टू बैंक अकाउंट 6000 रुपीज़। फिर 31 दिसंबर को हम लोग देखेंगे कि 31 दिसंबर का भी तो पेमेंट करना है, तो 31 दिसंबर वाला जो पेमेंट है वो भी कर देंगे। और जो एक्सेस हुआ था, शॉर्ट वर्किंग एक्सेस किया था, तो ये यहाँ पे हम लोग टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट लिखेंगे 750 रुपीज़। और दोनों का डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट आपका इक्वल आ जाएगा, यानी 18750 रुपया डेबिट होगा, 18750 रुपया जो होगा वो क्रेडिट होगा। तो इस तरह से आप लैंडलॉर्ड अकाउंट का लेजर बना लेंगे। दोस्तों, लैंडलॉर्ड अकाउंट का लेजर बनाने के बाद हम लोग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो लेजर आप लोग जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाइए। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम खींच लीजिए और बाएं तरफ डेबिट और दाहिने तरफ क्रेडिट साइड। देखिए, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट का लेजर जो बनाना होता है ये बहुत ही आसान होता है। तो आप अपने सामने एनालिटिकल टेबल पहले तो रखिए कि एनालिटिकल टेबल में क्या दिया हुआ था। शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट, जब हम शॉर्ट वर्किंग का लेजर बना रहे हैं तो हमको केवल और केवल शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट देखना है इसमें, ठीक है। तो ये देखिए कि फर्स्ट ईयर में 30 जून 2010 को दिया हुआ है कि 1500 रुपया का शॉर्ट वर्किंग अमाउंट था, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग की एंट्री कहाँ होती है? तो शॉर्ट वर्किंग की एंट्री जो आप देखेंगे कि लैंडलॉर्ड अमाउंट को जब हम लोग ड्यू करते हैं उस समय हम लोग शॉर्ट वर्किंग अगर होता है तब हम लोग शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट को डेबिट करते हैं और टू लैंडलॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लेजर बना रहे हैं ना, तो जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड में लैंडलॉर्ड है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि डेबिट साइड में करना है, ठीक है। तो जनरल के जस्ट अपोजिट एंट्री हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे टू लैंडलॉर्ड कर दीजिए, सिंपल है। 1500 रुपीज़ निकला हुआ था तो 1500 रुपीज़ कर देंगे। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड वाले कॉलम में आप देखेंगे कि कैरी फॉरवर्ड जो है 1500 रुपया लिखा था, ठीक है, एनालिटिकल टेबल में। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 31 दिसंबर को बाई बैलेंस रेडी 1500 रुपीज़ कर देंगे, क्योंकि ये जो 1500 रुपया जो है शॉर्ट वर्किंग अमाउंट जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो गया था नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो ईयर 2011 को फिर हम देखेंगे, 1/1/2011 को हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 1500 रुपया, यानी कि ब्रॉट डाउन हम लोग 2010 का जो अमाउंट था उसको हम लोग ले आए 11 में, ठीक है। 30 जून 2011 को ये देखिए कि एक्सेस वर्किंग है या शॉर्ट वर्किंग है। तो आप एनालिटिकल टेबल में देखेंगे कि एक्सेस वर्किंग हुआ था, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब शॉर्ट वर्किंग होता है तो लेजर जब बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग का तो टू लैंडलॉर्ड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेस वर्किंग हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 30 जून 2011 को बाय लैंडलॉर्ड लिखेंगे, ठीक है। 1500 रुपीज़ यहाँ लिखेंगे। फिर हम लोग 31 दिसंबर 2011 को देखेंगे एनालिटिकल टेबल में कि क्या हुआ था, एक्सेस वर्किंग था या शॉर्ट वर्किंग था, क्या अमाउंट था। तो हम लोग ये देखेंगे कि उसमें शॉर्ट वर्किंग जो हुआ था वो 1500 रुपीज़ था। तो हम लोग जानते हैं भाई शॉर्ट करता है तो टू लैंडलॉर्ड लिखते हैं, तो यहाँ पे 31 दिसंबर को लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड 1500 रुपीज़, और डेबिट साइड को ऐड करेंगे और क्रेडिट साइड को भी देख लेंगे। तो डेबिट साइड का जो ऐड होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 31/12 को बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे 1500 रुपीज़, यानी कि 1500 प्लस 1500 इधर डेबिट करेंगे तो 3000 होगा, और 3000 क्रेडिट लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और 31/12 को बाय बैलेंस सीडी करेंगे तो 1500 रुपया कैरिड डाउन के लिए जाएगा, ठीक। फिर हम लोग शॉर्ट वर्किंग का जो है नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी कि ईयर 2012 के लिए हम लोग ब्रॉड डाउन कर देंगे, यानी कि 1/1/2012 को टू बैलेंस बीडी लिखेंगे 1500 रुपीज़, जो कि कैरिड डाउन था 31 दिसंबर 2011 का, वो अमाउंट हम लोग 1/1/2012 को टू बैलेंस बीडी लिखेंगे 1500 रुपीज़। और उसके बाद ये देखेंगे कि 30 जून 2012 में क्या था। तो यहाँ पे देखिए 30 जून 2012 में शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जो है 750 है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई जब शॉर्ट करता है तो टू लैंडलॉर्ड लिखते हैं, तो टू लैंडलॉर्ड लिखेंगे 750। उसके बाद ये देखिए 31 दिसंबर को क्या है। तो 31 दिसंबर को आप देखिएगा कि एक्सेस कर गया है, तो एक्सेस कर गया है तो बाय लैंडलॉर्ड लिख दीजिए, 750 एक्सेस हो गया। और
सबका एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी रिक्यूपमेंट वगैरह सब कुछ करने के बाद, आप ये देखिएगा कि अनरिक्यूब्ड जो अमाउंट हुआ है वो 1500 रुपीज़ है। 1500 रुपया जो है अनरिक्यूब्ड हो गया था और जो कि पीएल में ट्रांसफ़र हो गया था। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि डेबिट साइड में 1500 प्लस 750 करेंगे तो 2250 होगा, ठीक है। और यहाँ पे बाय लैंडलॉर्ड लिखा हुआ है 31/12 को 750, तो रेस्ट अमाउंट जो है वो कहाँ गया, बाय पीएल, यानी कि पीएल में ट्रांसफ़र हो गया 1500 रुपया। तो 31 दिसंबर को बाय पीएल लिखेंगे 1500 रुपया और दोनों का ऐड करेंगे तो 2250 रुपया जो है डेबिट साइड होगा और 2250 रुपया क्रेडिट साइड होगा। तो इस तरह से शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर क्लोज होता है। दोस्तों, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर बनाने के बाद हम लोग बनाएंगे रॉयल्टी अकाउंट का लेजर। और रॉयल्टी अकाउंट का लेजर बनाने के लिए आपको अपने पास एनालिटिकल टेबल रखना पड़ेगा, और एनालिटिकल टेबल से ही देख के आपको पता चल पाएगा कि रॉयल्टी का अमाउंट कितना निकला था, किस ईयर में कितना निकला था। तो अब हम लोग देखिए रॉयल्टी अकाउंट का जो लेजर बनाएंगे, तो सबसे पहले जो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट जो है लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे और बाएं तरफ डेबिट साइड लिखते हैं और दाहिने तरफ क्रेडिट साइड लिखते हैं, ये हम लोग लिखेंगे। दोस्तों, जब हम रॉयल्टी अमाउंट की जनरल एंट्री करते हैं, यानी कि लैंडलॉर्ड को ड्यू करने की एंट्री करते हैं, तो रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड करते हैं, फिर लैंडलॉर्ड टू बैंक करते हैं, फिर रॉयल्टी का जो अमाउंट होता है उसको हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट, ठीक है। इस तरह से हम लोग जनरल एंट्री करते हैं। तो लेजर जब हम बनाते हैं रॉयल्टीज अकाउंट का, तो यहाँ पे ये देखना है कि रॉयल्टीज़ अमाउंट, यानी कि 2010 में 30 जून 2010 को रॉयल्टी अमाउंट कितना था। तो अमाउंट कॉलम में दिया हुआ है कि 4500 रुपया रॉयल्टी का एक्चुअल अमाउंट था, ठीक है। तो हम ये जो एंट्री करेंगे, यानी कि रॉयल्टी अकाउंट का जो लेजर बनाएंगे, तो टू लैंडलॉर्ड लिखेंगे, 30 जून 2010 को लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड 4500। 4500 टू लैंडलॉर्ड क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब हम रॉयल्टीज़ मतलब कि लैंडलॉर्ड को ड्यू करने की जब एंट्री करते हैं तो रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो जनरल में क्या होता है, जनरल एंट्री में टू लैंडलॉर्ड यानी कि क्रेडिट साइड में होता है। तो जब हम रॉयल्टी अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे जो लिखेंगे लैंडलॉर्ड का जो एंट्री करेंगे वो डेबिट साइड में करेंगे, क्योंकि जनरल एंट्री में वो क्रेडिट साइड में था, इसलिए यहाँ पे डेबिट साइड में करेंगे, जस्ट अपोजिट एंट्री करते हैं। तो टू लैंडलॉर्ड लिखेंगे 30/6/2010 को 4500, फिर 31/12 को देखेंगे कि रॉयल्टी का अमाउंट कितना था, तो रॉयल्टी का अमाउंट जो है 6000 था, तो 6000 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इस दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे और फिर क्रेडिट साइड में जो लिखेंगे 2010 को 31/12/2010 को लिखेंगे बाय पीएल, क्योंकि लास्ट में हम लोग पीएल को ट्रांसफ़र करते हैं, पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं रॉयल्टीज अमाउंट को, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बाय पीएल लिखेंगे 31 दिसंबर 2010 को 10500। फिर 2011 में देखेंगे तो 11 में भी इसी तरह होगा, क्योंकि हाफ ईयरली जब हम बना रहे थे तो उसमें दो बार हम लोग रॉयल्टी अमाउंट निकालते हैं, यानी कि 6 महीने का अलग, फिर 6 महीने का अलग। तो इसी तरह आपको भी यहाँ पे एंट्री करना होगा 6-6 महीने का रॉयल्टीज अमाउंट का, ठीक है। 30/6/2011 को टू लैंडलॉर्ड लिखेंगे, 31/12/2011 को लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड, और कितना अमाउंट था, 7500 रुपया एक्चुअल रॉयल्टी था और 4500 रुपया था, दोनों को ऐड करेंगे तो 12000 रुपया, और ये 12000 हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो बाई पीएल अकाउंट लिखेंगे 12000 रुपया, ठीक है। 2011 का खाता क्लोज हो जाएगा। फिर इसी तरह 2012 में हम लोग करेंगे टू लैंडलॉर्ड, कितना है 5250, 30/6/2012 को टू लैंडलॉर्ड 5250 रुपया, फिर 31/12/2012 को टू लैंडलॉर्ड 6750 रुपया, टोटल अमाउंट ऐड करेंगे 12000 रुपया होगा और यही 12 जो है पीएल में ट्रांसफ़र होगा। तो 2012 को 31/12 बाई पीएल अकाउंट 12000 रुपया। तो इस तरह से हम लोग जो है रॉयल्टी का अमाउंट को पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं और इस तरह से रॉयल्टी अकाउंट का लेजर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और कोई भी कमी अगर वीडियो में हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं उसको आगे सुधार करके आगे की वीडियो में मैं उसको अप्लाई करूँगा।